स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक ये फ्रंटल बोन, फ्रंटल एयर साइनस, ठीक है। इसके बाद फ्रंटल एयर साइनस के बाद हमारे पास फ्रंटल बोन खत्म होगी, तो ये वाली कौन सी बोन होगी, क्रिबरी फ्रॉम प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन, ठीक है, क्रिबरी फ्रॉम प्लेट एथमॉइड बोन। इसके बाद हमारे पास जो नीचे है जो ये है स्पिनोइडल एयर साइनस, ठीक है, स्पिनोइडल बोन में, स्पिनोइड बोन कौन सी है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये सारी स्पिनोइड बोन, ठीक है, स्पिनोइडल एयर साइनस। साथ में ये क्या है, सेला टर्शिका, और ये इसके अंदर पड़ा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ है अंदर, और ये सारा सेला टर्शिका है, ये सारी स्पिनोइड की बॉडी है और ये स्पिनोइडल एयर साइनस है, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट नोज, नोज हमारे पास बनता कैसे है, सेप्टल कार्टिलेज से, एलर कार्टिलेज इसको बोलते हैं, और इसके अलावा परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन, इसके अलावा वूमर, ठीक है, सेप्टल कार्टिलेज जो सेप्टल वॉल बनती है, वूमर बनती है। इसके बाद जो नीचे एरिया है जो फ्लोर बनाता है नोज का, रूफ बनाता है मैक्सिला का, पैलेट का, वो हमारा हार्ट पैलेट का, हार्ट पैलेट की जो एंटीरियरली होती है वो मैक्सिला होती है, और जो पोस्टीरियरली होती है पैलेटाइन बोन होती है। ये मैक्सिलरी बोन है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से ये वाला जो एरिया है छोटा सा ये पैलेटाइन बोन, और जो ये एरिया है सॉफ्ट पैलेट शुरू हो गया, और ये सॉफ्ट पैलेट का यूवला, ठीक है, ये यूवला मसल। इसके बाद हमारे पास यूवला के बिल्कुल पीछे तो ये डिप्रेशन से नज़र आ रहा है, ठीक है, ये है ऑडिटरी ट्यूब, ठीक है, या फिर हमारे पास रेंजो टिम्पैनिक ट्यूब, ठीक है, ये वो ट्यूब है जो ओपन होती है हमारे माउथ में, ठीक। इसके जो बिल्कुल पीछे हमारे पास एक एग्रीगेशन नज़र आ रही है लिम्फॉइड टिश्यू की, ये है हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है बच्चों, ये पैलेटाइन टॉन्सिल हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है सॉफ्ट पैलेट, हम पहले जो फेरिंग्स को डिवाइड करेंगे, फेरिंग्स हमारे पास नेजो फेरिंग्स जो एरिया बिल्कुल हमारे पास नोज के बिल्कुल पीछे और पैलेटाइन से स्टार्ट, पैलेटाइन टॉन्सिल स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे पास नेजो फेरिंग्स है पोस्टीरियर टू नोज, ठीक है, और यहाँ तक जुगला के लेवल तक नेजो फेरिंग्स, नेजो फेरिंग्स के बाद ओरो फेरिंग्स में हमारे पास ये जुगला के लेवल से स्टार्ट होता है और एपिग्लोटिस के अपर एंड तक हमारे पास होता है ओरो फेरिंग्स, ये एरिया है ओरो फेरिंग्स का, ठीक है। अगर पॉइंट लगे इधर तो ये ओरो फेरिंग्स है, अगर पॉइंट लगे इधर तो ये है नेजो फेरिंग्स, ठीक है। इसके बाद एपिग्लोटिस के ऊपर से लेके क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये अब हमारे पास एपिग्लोटिस है, ये है थायराइड कार्टिलेज, और इसके नीचे है क्रिकॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज के लेवल तक हमारे पास जो होता है लेरेंजियो फेरिंग्स, ये एरिया लेरेंजियो फेरिंग्स है, ये वाला एरिया, ठीक है, फेरिंग्स के बिल्कुल पीछे लेरेंजियो फेरिंग्स। अब ये है फेरिंग्स, फेरिंग्स में हमारे पास एपिग्लोटिस पहले होती है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास थायराइड कार्टिलेज है, और हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज है। जो ये एरिया है हमारे पास साइनस के नीचे कौन सा फोल्ड होता है, वोकल फोल्ड, और ऊपर वाला हमारे पास रेसिकुलर फोल्ड, ठीक है। इसके बाद ये है एपिग्लोटिस और ये है हायाइड बोन, ये जो आगे बढ़ दीजिए, ठीक है, ये कट कर दीजिए, ये हायाइड बोन है, एपिग्लोटिस और हायाइड बोन के बीच में जो मेम्ब्रेन जा रही है ये होगी हायो एपिग्लोटिक मेम्ब्रेन, ठीक है। जो ये है टंग के हमने एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल, एक्सट्रिंसिक तो स्केलेटल मसल हो गए, जो इंट्रिंसिक हो गया हमारे पास इसमें जीनोग्लॉसस, जीनोहायड और माइलोहायड जो बिल्कुल बेस बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास ये हो गए रूट ऑफ टंग, और इसमें क्या है ये हो गए हाँ, ये जो है हमारे पास सर्वाइकल सी वन, जो छोटी सी है ये सी वन, अगर काउंटिंग आए कौन सी वर्टिब्रा ये है तो सी वन यहाँ से शुरू हो रही है, ये सी वन नहीं है, सी वन यहाँ है, ठीक है बच्चों, सी वन, सी टू, सी थ्री, सी फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन, ठीक है, ये लेवल तक हमारे पास इस लेवल, ठीक है, सी सेवन तक। इसमें ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड हो गई है, ये हमारे पास स्पाइन आ गई है वर्टिब्रास की, होज में हमारे पास मियोटेसिस एंड कॉनकास, जो ग्रूव होगा वो होगा मियोटिस, ठीक है, जो ग्रूविंग है, अगर पॉइंट लगता है इस ग्रूव पे तो ये मियोटिस है, ठीक है, और अगर पॉइंट लगता है इनके ऊपर तो ये है कॉनकास, सुपीरियर कॉनका, सुपीरियर मियोटिस, मिडिल कॉनका, मिडिल मियोटिस एंड इन्फीरियर कॉनका एंड इन्फीरियर मियोटिस, ठीक है। साइनसिस दोबारा देख लो, जी साइनसिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्रंटल साइनसिस, स्पिनोइडल साइनसिस, ठीक है, बाकी साइनसिस उसमें एक्सरे में नजर आएगा, ठीक है। फ्रंट स्केमस पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन, फ्रंटल साइनस, नेजल स्पाइन, नेजल बोन, सेप्टल कार्टिलेज, एलर कार्टिलेज, फाइब्रोफैटी टिश्यू, फ्रंटल पार्ट ऑफ द मैक्सिला, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, एल्वियुलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, पैलेटाइन है एंड ऑर्बिटल बोन, ये पूरी ऑर्बिटल बोन है, ठीक है, ये उसका ऑर्बिटल पार्ट है, ये परपेंडिकुलर प्लेट है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेट है।
बोन कौन सी होती है? पैलेटाइन की। हाँ, ये पूरी पैलेटाइन है ना, ये इसका ऑर्बिटल पार्ट है, ये परपेंडिकुलर प्लेट है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेट, ठीक है। ये स्फिनोपैलेटाइन फोरामिन, ठीक है, ओपनिंग फॉर लैक्रिमल डक्ट, नेजो लैक्रिमल डक्ट, ठीक है। उसके बाद ये मीडियल टेरागॉइड प्लेट, लैटरल टेरागॉइड प्लेट, हैमलेस ऑफ टेरागॉइड, टेरागॉइड फोसा, एंड उसके बाद ये पूरी स्फिनॉइड है, स्फिनॉइड बोन है, ये बॉडी ऑफ स्फिनॉइड, सॉरी स्फिनॉइडल साइनस है, ठीक है। ये होगी पैलेटो कौन सी थी, स्फिनॉइडल रिसेस, स्फिनोएथमॉइडल रिसेस, ठीक है, स्फिनोएथमॉइडल रिसेस, और ये होगा स्फिनोएथमॉइडल फोरामेन यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये रिबरी फॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन, ठीक है, ओपनिंग फॉर फ्रंटल साइनस, ये एंटीरियर एथमॉइडल साइनस इसकी ओपनिंग है, मिडल एथमॉइडल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, और ये पोस्टीरियर एथमॉइडल साइनस, फ्रंटल, दोनों दो फ्रंटल है।